अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो ये जी यहाँ पे मैं पका रही हूँ सुबह सुबह मकई की रोटी, और वो भी अपनी इमरजेंसी वाली सिलेंडरी पे, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि जी गैस बहुत कम आ रही है आजकल। तो अभी हर बच्चे तो सो रहे हैं, एक दो छुट्टियाँ बच्चों को रह गई, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए बनाऊँ। चाय बनाई अभी, और पहले फिर ये बनाई है रोटी। और घर में जो है ना, मम्मी ने कल फिर साग बनाया था, तो वो मुझे भेजा है ने, तो उसके साथ जी इंजॉय करूँगी इस रोटी को। और आप सुनाएं, आप कैसे हैं। सब ने मकई की रोटी अभी तक ट्राई कर ली या अभी बाकी है। तो जी अभी आप देखें मेरा देसी स्टाइल, बिलीव आप करें, मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऐसे तवे पर रोटी पड़ी हुई है और इस तरह इसके ऊपर साग रख के खाऊं, बिल्कुल देसी माहौल में, देसी स्टाइल से। तो जी अभी कुछ देर पहले अली आया था, तो उसके साथ में अभी गाँव की तरफ जा रही हूँ। और ये देखें जी कितनी खूबसूरत गंदम लगी हुई है और सरसों लगी हुई है। मैंने कहा ये खूबसूरत जो है व्यू आपके साथ शेयर करूं। और आप सब सुनाएं, आप सब की तरफ किस तरह का वेदर है आजकल। बस जी अभी हम गांव आ गए वापस। बस आजकल आपको पता है डेली मेरा आना जाना लगा हुआ है। काफ़ी अच्छी धूप निकली है माशाल्लाह। और ये देखें जी गंदम वगैरह भी जो है ना काफ़ी। ये देखें आगे जो है ना ऊँट खड़े, ये ऊँट है नली। देखो मैं भी कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, ये पाकिस्तानी ऊँट है जी। इस तरह देखें ये लेडीज़ ना, अली आराम से ज़रा, ये इस तरह ये लेडीज़ ये आटा वगैरह और करती हैं। ये देखें ये सीन है यहाँ पे ऊँटरियों का, आई थिंक बस अभी अम्मी घर तक पहुँचने का। तो जी बस अब मेरी वापसी हो गई है घर की तरफ, और बस कुछ ही देर में हम सिटी में पहुंच जाएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ से व्यू नज़र आ रहा था, मैंने कहा हाँ जी। तो ये अभी हम मंडी से गुजर रहे हैं, हमारे ये सिटी की मंडी है, और ये देख रहे हैं हम। अली को मैंने अभी बोला, बाकी तो सारा कुछ उस दिन ले आ गया था अली, तो लेकिन यह कि अभी यहाँ पे रह गए हैं, सिर्फ आलू ख़त्म हुए थे, और मैंने कहा शांजे के लिए केला लेना है, बस चल के लेते हैं। तो जी अभी हम गांव से वापस आ गए। ये देखें जी शाम का टाइम है, और बच्चे हैर में घर ही छोड़ के गई थी, और बस अल्हम्दुलिल्लाह दिन के टाइम फिर धूप निकल आती, लेकिन रात के टाइम जो है बड़ी धुंध स्टार्ट हो जाती है मगरब के बाद, और सुबह तकरीबन 10 बजे तक भी धूप रहती है। बाकी जी उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत अच्छा।